अलसी के तेल के फायदे सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। अलसी का तेल, जिसे फ्लैक्सीड ऑयल कहते हैं, ये सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन ई, पॉलीअनसैचुरेटेड और मोनोअनसैचुरेटेड फैट, विटामिन B1, B6, मैंगनीज, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सेलेनियम, आयरन, पोटेशियम, कॉपर और जिंक जैसे जरूरी विटामिन और मिनरल्स होते हैं। इसीलिए ये खाने में तो फायदेमंद है ही, लेकिन यदि अलसी के तेल की मालिश की जाए तो इसके और भी गजब फायदे हैं। अलसी की तेल की मालिश से त्वचा को भरपूर पोषण मिलता है। चेहरे पर कील, मुहासे, ड्राई स्किन, फटी हुई त्वचा, झुर्रियां, फाइन लाइंस, दाग धब्बे जैसी समस्याओं को दूर करने में अलसी का तेल बेहद लाभकारी है। अलसी के तेल की मालिश से मांसपेशियों के दर्द और तनाव में राहत मिलती है। साथ ही इसकी मालिश से जोड़ों और हड्डियों के दर्द में भी राहत मिलती है। अलसी का तेल ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है, जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद मिलती है। अलसी के तेल से सिर में मालिश करने पर सिर दर्द में छुटकारा मिलता है और तनाव कम होता है। इसकी मालिश से बाल झड़ने और डैंड्रफ की समस्या में भी राहत मिलती है। दोस्तों, ये है अलसी फ्लैक्सीड और ये फ्लैक्सीड का तेल है और ये है कच्ची घानी और मेरे साथ है संदीप जी। अलसी का तेल हृदय रोगों के लिए रामबाण है और महिलाओं के लिए हार्मोनल बैलेंस के लिए भी बेहद कारगर है, पर शर्त यह है कि ये शुद्ध होना चाहिए। इसकी पूरी जानकारी वीडियो में देंगे संदीप जी कि अलसी का तेल कच्ची घानी का शुद्ध कैसे निकलता है और क्या लाभ होते हैं हृदय रोगों में और महिलाओं के लिए। पूरा वीडियो बड़े काम का है और जैसा आप जानते हैं, हम आपको ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो बिल्कुल ईमानदारी से शुद्ध चीजें तैयार करते हैं। इनका कहना है कि अलसी का तेल कच्ची घानी का मिलना बेहद कठिन है। कैसे कठिन है और कैसे लाभकारी है, पूरी जानकारी लेते हैं संदीप जी से। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। संदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर। ये अलसी का तेल आपने इसी कच्ची घानी से निकाला? सर, हमारा जैसे कि आपने देखा है कि भी हम जो भी ऑयल निकालते हैं, हमारे पास इसके वुडन प्रेस के अलावा कोई भी मशीन नहीं है सर। और हर ऑयल जो हम तैयार करते हैं वो इसी मशीन से निकालते हैं और वो भी बुल ड्रिवन स्पीड पे सर। और सबसे पहले सर, जैसे कि आपने बताया अलसी का तेल सबको पता है कि ओमेगा 3 से भरपूर है सर। इसका जो सब्स्टिट्यूट है वो मछली का तेल भी बताते हैं कि मछली का तेल भी में ओमेगा 3 होता है। बट अब समस्या ये आती है कि जो वेजिटेरियन है उसके लिए क्या सोर्स होगा ओमेगा 3 का, तो उसका सबसे बेटर सोर्स है ये हमारी अलसी। जो इसकी खासियत है, सबसे खासियत बड़ी ये है कि ये हमारे हृदय रोग के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारे जोड़ों के दर्द के लिए हर प्रकार से ये सर्वोत्तम आहार है। आयुर्वेद में भी अलसी का काफ़ी उल्लेख किया गया और उसकी काफ़ी गुणगान किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सर, अलसी का तेल ब्लड शुगर को कम करने के लिए और जो जिसका खून गाढ़ा है, जो इको एस्प्रिन वगैरह जैसे कोई भी टैबलेट खून पतला करने की कोई भी टैबलेट लेते हैं, वो इसके ये भी एक अच्छा सोर्स है खून पतला रखने के लिए। इससे कोलेस्ट्रॉल, आपका फैट कम होगा और आपका हृदय जो है बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। तो ये अब आप बता रहे थे कि अलसी का तेल कच्ची घानी का मिलना बड़ा कठिन है, शायद कोई निकालते हुए आपको मिला नहीं, तो आपने कैसे प्लान किया कि कच्ची घानी से ही इसको निकालें और क्या निकल पा रहा है? सर, इसको निकालना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है सर। इसको एक्चुअली क्या है, ये बहुत स्लिपरी है और इसको अभी तक मैंने जो रिसर्च की, जो मैंने देखा, अलसी का तेल बहुत कम लोग निकाल रहे हैं। जो भी निकाल रहे हैं वो बिल्कुल हाई स्पीड पे और हाई टेम्परेचर पे निकालते हैं। इसमें एक मैं बात ऐड ऑन करना चाहूँगा, इसका इस्तेमाल कुकिंग में ना करें, इस और कुकिंग में ना करें। उसके बाद जो भी जहाँ से भी आप ऑयल ले रहे हैं, ये नहीं कि भी आप मेरे से लें या जहाँ से भी ले रहे हैं, पर ये जरूर परखें कि भी वो तेल 46 डिग्री से नीचे ही उसकी निकालते समय उसका टेम्परेचर होना चाहिए। तो ये आपने पहली बार निकाला है तो क्या कठिनाई आई? सर, कम से कम मेरा 100 से 200 किलो मेरा माल वेस्ट हुआ है, तब जाके इसमें जो भी हम फैक्स वगैरह जो भी हमें R&D की मैंने उसका किया। उसके बाद फिर हम बहुत ही कम मात्रा में इसका ऑयल निकाल रहे हैं, क्योंकि इसमें ऑयल अदर्स उसमें निकालेंगे जो भी इक्विपमेंट्स हैं उसमें तेल की थोड़ी सी जो परसेंटेज है ज़्यादा आती है, इसमें परसेंटेज कम आती है। मतलब जो तेल कंटेंट निकलता है अलसी में से वो परसेंटेज कम है सर, बट निकल जाता है। निकल जाता है सर, इसी से निकाला हुआ है ये? हाँ जी, सारा ऑयल इसी मशीन से निकाले हुए सर। एक बार आप चला कर दिखाइए जो आप इसका निकाल रहे हैं, फ्लैक्सीड का ही निकाल रहे हैं? फ्लैक्सीड का सर, अभी इसमें फ्लैक्सीड ऑयल बन गया सर, आप देख सकते हैं। जैसे सर ये फ्लैक्सीड ऑयल है? हाँ जी। रोटेट कैसे करते हैं, कितना रहता है, वो भी आप एक बार बताएं
दर्शकों को। अब ये देखिए सर, जो बुल की स्पीड होती थी सर वो 3 से लेकर 5 राउंड पर मिनट होती है, और डिपेंड करता है वो बुल की स्ट्रेंथ और उसकी स्पीड पे सर। और जो हमने जो एवरेज स्पीड रखी है वो 4 राउंड पर मिनट है, और इसी स्पीड से हम सारे ऑयल, जैसे आपने पहले भी देखा है कि इसी स्पीड से हम सारे ऑयल्स निकालते हैं। आप स्पीड से भी अंदाजा लगा लीजिए कि भी क्या स्पीड है इसकी। फ्लैक्स सीड का ऑयल देखिए निकल रहा है, ये इसी स्पीड से यहाँ पर निकाल रहे हैं, और फिर धीरे धीरे 2 घंटे में ये निकल कर बाहर आता है और इस तरह का तेल तैयार हो जाता है। ये तैयार हो जाएगा सर। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसका जो स्मोकिंग पॉइंट हमें बताया गया है कि वो 46 डिग्री से ऊपर ये खाने लायक नहीं रहता, इसका टेम्परेचर बनाते हुए या कुकिंग करते हुए। इसलिए आयुर्वेद में भी बताया गया है कि इसको कुकिंग में इस्तेमाल नहीं करते हैं। और इसी हिसाब से आप देखिए सर, जो भी अभी रूम टेम्परेचर जो हमारा 21 आ रहा है, और जो ऑयल का टेम्परेचर है वो 28 है, और ये असलियत में कच्ची घानी से निकला हुआ तेल ही अलसी का वो आपकी सेहत के लिए गुणकारी होगा और फलदायी होगा। तो दोस्तों, जैसे आपने देखा कि संदीप जी इसी कच्ची घानी के कोल्हू से ये अलसी का तेल निकालते हैं। आपको जैसे जानकारी है कि हम ऐसे लोगों को आपको निशुल्क मिलवाते हैं, ताकि ऐसे लोगों को हौसला मिले और आपको शुद्ध चीजें मिले, आप यहाँ विजिट भी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरह से ये बाकी तेल भी निकालते हैं कच्ची घानी से। अलसी के अलावा मस्टर्ड भी मिलेगा आपको, कोकोनट भी, ग्राउंड नट का ऑयल भी है, सेसमे ऑयल भी है, इस तरह के सारे तेल यहाँ 2 मशीनें इन्होंने लगाई हुई है उसे निकालते हैं। नंबर हमने दिया हुआ है, आप इनसे सीधा ले सकते हैं। और साथ में हमने एक shuddhfarm.com प्लेटफॉर्म भी बनाया है, जिस पे ऐसे ही लोगों को जोड़ रहे हैं, ताकि शुद्ध चीज़ें डायरेक्ट आपको मिलें, उस पे और भी चीज़ें आपको मिल सकती हैं, तो वहाँ भी विजिट कर सकते हैं। तो इसी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।